केन्द्रापड़ा वायरल वीडियो घटना पीड़िता को न्याय केबे दुई दिन भितरे कार्यनिष्ठान नियाजि बोली प्रतिश्रुति देथिले केन्द्रापड़ा एसपी मात्र एहा भितरे 4 दिन बितिछि किंतु अभियुक्तर टेर पाउनी पुलिस न्याय पई पीड़िता आकुल निवेदन करछंती पुलिस प्रशासन थारु भरोसा तुटी जिबा परे स्थानीय विधायकक पाखरे न्याय पई निहुराय छंती पीड़िता 17 तारिख रे पीड़िता देथिबा बयान परे सारा राज्य रे खेली जैतिला चांचल्य प्रथमे घटना को लव जिहाद बोली गणा जाउथवा बळे प्रकृत रे एहा थिला लव एक्सपोज अन्य धर्मर पोस्ट सहित लव रिलेशन परे पाकिस्तान बांग्लादेश तुर्की रे हुइतला पीड़िताक वीडियो वायरल ए घटना सारा राज्य रे चर्चा रे विषय पलटिथिला तेबे न्याय पई पीड़िता जनक बारंबार थाना रे अभियोग करथिले बि एजाय अभियुक्तक विरुद्ध रे कार्यनिष्ठान नैनी पुलिस सेपडे केन्द्रापड़ा रे ए घटना को सप्ताह हेबाकु बसितबा बळे आजि विधायिका प्रतिक्रिया रखी कहिसेंति से घटना संपर्क रे किछि जानि नहंती घटना को 7 दिन हेबाकु बसितबा बळे निज अंचल रो खबर विषय रे अनभिज्ञ स्थानीय विधायिका एरि प्रश्न उठुछि केबे मिलिबो पीड़िताक न्याय कौन सतरे विधायिका जानि नहंती वीडियो वायरल घटना कहा चपरे पुलिस नेउनी पदक्षेप काहेकि समय गढ़ चली पुलिस पुणी विवाद रे वर्तमान केन्द्रापड़ा पुलिस पाई प्रतिनिधि सतरूपा सामंतरे सतरूपा 7 दिन बीतीगला किंतु पीड़िता को ए पर्यंत न्याय तो मिलनी मिलनी जिते बड़े बारंबार थानार जिते द्वारस्थ हेल्ले दुई दिन मानते दुई दिन भितर न्याय मिली प्रतिश्रुति दि जाता एसपी पक्षर कि मिलनी सेपटे से बाध्य कि विधायिका द्वारस्थ हेल्ले कि विधायिका सीधा साल कहते कि घटना संपर्क से अवगत नहाँ तेज पीड़िता न्याय केवे मिल सब बड़ प्रश्न बर्तमान सतरूपा देखंतु नीलिमा जेतेबेले गत रविवार दिन पीड़िता जनक निधि दिने चांदोल रु चली चली आसिकी केन्द्रापड़ा एसपी को जेतेबेले भेटिया पई आसीथिले तांकु सेजारे भेटिया को दिया नै जाई नथिला जेतेबेले जुक्ति तर्क होइतला तापने पुनी तांकु भेटिया पई दिया जैतला एवं जेतेबेले जति एवं तांको सहित काउंसलिंग करिकि दुई दिन रो समय देइतला पुलिस अभियुक्तंकु गिरफ करिवो बोली कहितला किंतु एठी प्रश्न उठुछि पुलिस जो रहिछि केन्द्रापड़ा एसपी को सहित समस्त पुलिस विभाग एठी सोइकि रहिछि काहा कोथि पई पुलिस एक्शन मोड को आसुनी काहीक जो अभियुक्त रही गोटे नाबालिका शिशु जो कह शिशु कहले भी किसी भूल हेबना जड़े नाबालिकांकर जदि वीडियो वायरल होती कार्यानुष्ठान ग्रहण करें दुई दिन समय लगला या भितर 4 दिन बीती जा कौन भी प्रकार एक्शन ना कौन ब्लू प्रिंट प्रस्तुत करना किभली भाव में जो बाहर राज्य तथा जो बाहर राज्य आसी जो मिस्त्री कथा कहते जी तर वीडियो को वायरल कर वर्तमान सुधा से अभियुक्त टेर पाई पारुनी पत्ता पाई पारुनी कहा चापरे पुलिस रही देखी पारे एसपी सम्मुखर चित्र एठी मध्य सीधा सड़क भाव में जो रही कौन भी प्रकार कार्यानुष्ठान ग्रहण किसी भी ग्रहण संपूर्ण भाव में जदि कह केन्द्रापड़ा पुलिस एठार शोक रही कहीं क्या चापर रही कहीं पुलिस कौन कार्यानुष्ठान ग्रहण कर बड़ कथा है जितेबाला गोटे नाबालिका बयान रेकर्ड कराए घर को जाके रेकर्ड करवा दरकार कारण सी नाबालिका से 18 वर्ष रु कम कहीं पुलिस ऑफिस भितर तर बयान रेकर्ड करुची कहीं बारंबार धमकपूर्ण फोन आसूची कल आसूची जितेबाला कहीं पुलिस प्रोटेक्शन दि जाऊ सरकार जो गंडा गंडा हेल्पलाइन नंबर सब क्रिएट करा जाई जो शिशु मानू सुरक्षा देवाई जो विभिन्न हेल्पलाइन नंबर गुड़िक क्रिएट करा कहीं शिशु मानू कौन प्रकार काउनसलींग करना जहाँफल से मानसिक चाप को आसुच्च अनेक दिग रही सब आगे सरकार सबकि जिन फेल बोली मन हो सब बड़ कथा है गत काली एसपी 3 दिन जिते दुई दिन बीती जा गत काली सन्ध्यार एसपी सन्ध्या समय 4:30-5:30 समय भितर जो रही पीड़िता घर को जाते से समबेदना कितु आम ये कौन समबेदना देवा कौन भूल नुहे गोटे नाबालिका को समबेदना देवा सब भल कथ कारण से जितेबाला चापरे रोचा से अं मान समबेदना चाहूँ साहय चाहूँ किंतु एठी आउ गोटे भी प्रश्न उठू समबेदना आउ जो इन्वेस्टिगेशन दुईटा भितर फरक रही इन्वेस्टिगेशन कौन होमती हूँ तापर कहीं से मुह खोलू ना आउ केते दिन समय ने मे 15 कथा जदि ये हूँ मे 15 तारीख जितेबाला सदर थाना को चंदल सदर थाना जो रही कि पीड़िता जनकर पर लोक अभियोग करते समय एफआईआर दायर करा जदि कह जहाँ अभियुक्त जहाँ
ପୀଡ଼ିତା କହୁଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲରୁ ଅନେକ ଜିନିଷକୁ ପୋଲିସ ସଦର ଥାନା ପୋଲିସ ଡିଲିଟ କରିଦେଇଛି। କାହିଁକି ଡିଲିଟ କରିଦେଲା, ସେସବୁ ଜିନିଷ କାହା ଚାପରେ ରହିଛି, କାହାକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦେଉଛି, ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନୀଳିମା, ନିହାତି ଭାବରେ ସତ୍ରପା, ତ ଦେଖିବାର କଥା କି କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ସତ୍ରପା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଏତେ ହଟଚମଟ, ମାନେ ପ୍ରତିଟି ଗଣମାଧ୍ୟମ କଥା କୁହନ୍ତୁ କି ଖବରକାଗଜର ଶିରୋମୁଣ୍ଡନ କରୁଛି ଏ ଖବର, କିନ୍ତୁ ବିଧାୟିକା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ସହଜରେ କିନ୍ତୁ ହଜମ କରିହେଉନି। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ୟା ବିଧାୟିକା ୟା ଉପରେ କୌଣସି ଖବରର ଅବଗତ ନାହାନ୍ତି, ବାରମ୍ବାର ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ିବା, ବାରମ୍ବାର ସଦର ଥାନାକୁ ଦୌଡ଼ିବା, ଯେତେବେଳେ ସେ ହତାଶ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାଇକି ଏଠିକାର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଖବର ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର ଶିରୋନାମା ପାଲଟିଛି ଏହି ଖବର ଜଣକ, ଆଉ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ ନୀଳିମା, ଏସ୍ପି ଅଫିସରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜୁଲୁମ କରାଯାଉଛି, ସାମ୍ବାଦିକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାମ୍ବାଦିକା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଜାଗାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ତା ଯେତେବେଳେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଛି, ଏଭଳି ଅନେକ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଭିତରେ ବି ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ନାବାଳିକା ଜଣଙ୍କ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଯେତେବେଳେ ନିଜର ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ଏହା ସହିତ ଯେତେବେଳେ ପୋସ୍କୋ କୋର୍ଟ ଲାଗିଛି କାହିଁକି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଉପରେ ପୋଲିସ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଧରାଯାଉଛି ବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ପାଖରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚୁଛି, ତାହା ଉପରେ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଧନ୍ୟବାଦ ସତ୍ରୁପା, ଏଠାରେ ପ୍ରତିନିଧି ସତ୍ରୁପା ସାମନ୍ତରାୟ।